हेलो, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि सीकेडी पेशेंट के लिए एग का वाइट पार्ट क्यों ज़रूरी है। एग वाइट में हाई क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है और किडनी के लिए एक अच्छा प्रोटीन सोर्स माना जाता है। डायलिसिस के इलाज से गुजरने वाले किडनी के पेशेंट को डॉक्टर एग के वाइट पार्ट के सेवन की एडवाइस देते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट को हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन डायलिसिस के पेशेंट को फॉस्फोरस लिमिटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए। इसके लिए आप डॉक्टर से एडवाइस लें कि आपको अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दो बड़े एग के वाइट पार्ट 66 ग्राम के होते हैं और इसमें सोडियम 110 मिलीग्राम, पोटाशियम 108 मिलीग्राम और फॉस्फोरस 10 मिलीग्राम पाया जाता है। एग के येलो पार्ट में भले ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इसमें हाई फॉस्फोरस भी पाया जाता है। इसलिए डॉक्टर किडनी के पेशेंट को इसके सेवन की मनाही करते हैं, क्योंकि ये किडनी पर प्रेशर डाल सकती है। लेकिन एग वाइट किडनी के पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, इसलिए एग वाइट का किडनी की रीनल डाइट में भी जोड़ा गया है। अगर हम बात करें क्रॉनिक किडनी डिजीज में एग वाइट के सेवन की, तो सीकेडी के पेशेंट को अक्सर किडनी की बीमारी के स्टेजेस के अकॉर्डिंग एक खास डाइट लेनी चाहिए। डाइट में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फॉस्फोरस और पोटाशियम को लिमिटेड करने की ज़रूरत होती है। एग प्रोटीन एक सस्ता और ईजिली मिल जाने वाला सोर्स है, क्योंकि इसमें ज़रूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो मसल्स को प्रोटीन की कंजप्शन करने में हेल्प करता है। सीकेडी के पेशेंट को ये ध्यान देना होगा कि वो एग का येलो पार्ट का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें हाई फॉस्फोरस और ट्रिमेथोलोमाइन एनोक्साइड भी पाया जाता है, जो कि सीकेडी के पेशेंट की किडनी को नुकसान पहुँचा सकता है। साथ ही साथ एग के येलो पार्ट में कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे आपको दिल की बीमारी भी हो सकती है। डायलिसिस के पेशेंट में डायसलडेमिया को रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की एडवाइस दी जाती है, लेकिन एग वाइट पार्ट में ल्यूटिन, जीक्सथिन, विटामिन डी और बायो एक्टिव होते हैं, जो कि सीकेडी के पेशेंट के लिए फायदेमंद होते हैं। एल्ब्यूमिन ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन कुछ फूड प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे कि फिश, एग्स, मिल्क एक्सेट्रा। साथ ही साथ ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। हालांकि इसमें फॉस्फोरस भी पाया जाता है, जिससे लिमिटेड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करें एग वाइट के सेवन के फायदे की, तो हमें पता चलता है कि ये हेल्दी एल्ब्यूमिन के लेवल को बनाए रखते हुए ब्लड में फॉस्फोरस को कम करने का अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ सीकेडी के पेशेंट को एग वाइट का सेवन करना चाहिए, जिससे उनकी किडनी हेल्दी बनी रहे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि एग वाइट के सेवन से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है अगर आप सीकेडी के पेशेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम अगली बार से वीडियो बना सकें। या फिर अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या बीमारी है, तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारे फ़ोन नंबर्स भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कर्मा आयुर्वेदा के साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।